दर्शकों, इस समय हम लोग सीधे जुड़ रहे हैं जयगांव एक ग्राम पंचायत क्षेत्र के खोखला बस्ती से, जहां पे पार्ट नंबर 1142 का एक बूथ कार्यालय का उद्घाटन का कार्यक्रम यहां पे चल रहा है। उसका दृश्य आप सभी के समक्ष हम लोग साझा कर रहे हैं। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में तृणमूल के जिला परिषद प्रार्थी गंगा प्रसाद शर्मा स्वयं यहाँ पे उपस्थित हैं और उनके हाथों द्वारा ही रिबन काटकर इस बूथ कार्यालय का उद्घाटन किया गया और तमाम ग्रामीण वासी यहाँ पे उपस्थित हैं, उनको संबोधित भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस क्षेत्र के युवा तृणमूल नेता पवनवीर मुक्तान पिछले 5 सालों से इस क्षेत्र के एक पंचायत मेंबर हैं खोखला बस्ती क्षेत्र के, और इस साल क्योंकि इस क्षेत्र में महिला रिजर्वेशन आने के कारण इस बार उनकी पत्नी आशिका तामंग इस क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरी है और उनके लिए यहाँ पे एक चुनावी माहौल तैयार करने का यहाँ पे एक कार्यक्रम, एक बूथ कार्यालय उद्घाटन करके किया जा रहा है, जिसका दृश्य आप सभी के समक्ष हम लोग साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि खोखला बस्ती क्षेत्र के युवा तृणमूल नेता पवनवीर मुक्तान इस खोखला बस्ती क्षेत्र के लिए काफ़ी समय से आवाज़ बुलंद करते आए हैं और साथ साथ में यहाँ पे काफ़ी सारे डेवलपमेंट के कार्यों में जोर देते रहे हैं और काफ़ी सारे कार्य उनके उनके क्षेत्र में होता हुआ भी दिखा है और काफ़ी बार नदियों में बांध को लेकर काफ़ी बार उन्होंने अपना पहल किया है, आवाज़ बुलंद की है और गांव वासियों के साथ मिलकर बांध बनाने के लिए भी काफ़ी बार उन्होंने अपने स्तर पे योगदान भी दिया है और समय समय पर वह इसी तरह से आवाज़ उठाते रहते हैं जनता का कार्य के लिए, वो हमेशा आगे रहते हैं और इस बार उनकी धर्म पत्नी इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगी। चलते हैं, आप सभी के समक्ष ये दृश्य साझा करते हैं और हम लोग सीधे बातें करेंगे जिला परिषद तृणमूल प्रार्थी गंगा प्रसाद शर्मा जी से और इस कार्यक्रम के विषय में जानकारी लेंगे। दर्शक आज हम जीपी 1 एक नंबर अंचल में 42 नंबर पार्ट में पवन भाई को पार्ट में एउटा पार्टी अफिस चुनावी कार्यालय को शुभ उद्घाटन भयो। त्यही उद्घाटन को उपलक्ष्य में हमी सब नेतृत्व यहाँ छौ, हाम्रो अंचल सभापति, हाम्रो ब्लक को नेतृत्व, हाम्रो अंचल को नेतृत्व र यहाँ तपाईले सुन्नुभयो सानो एउटा गाउँले सभा जस्तो पनि भयो। मान्छेलाई हामीले प्रयास गर्यौँ, यहाँ लगभग 100 जनाको लगभग गाउँको मान्छेहरू थिए, उहाँको उपस्थितिमा आज यो चुनावी कार्यालयको शुभ उद्बोधन भयो र हामीले एउटा आज विधिवत रूपमा पार्टीले एउटा प्रचार कार्य यहाँ सुरु गर्यो, जो आगामी दिन यो अझै तीव्र भएर घर घरमा गएर तृणमूल कङ्ग्रेस माननीय मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीको जुन उद्देश्य छ, उहाँको जुन विकासको कार्य छ, अनि यहाँ जुन जेडिएले विकास गरेको थियो, यहाँ जो हाम्रो पवन भाइ मेम्बर भएर जुन प्रकारले उहाँ एउटा जुझारु नेतृत्वले जुन प्रकारको विकास उहाँले लिएर आउनु भएको थियो, त्यो सब विषय लिएर आज यहाँ कुराकानी भयो। अनि मान्छेको उत्साह देखेर मलाई लाग्छ यहाँ आउँदो दिनमा फेरि पनि हाम्रो आशिका लामा बहिनी अनि पञ्चायत समिति हाम्रो बिमला लामा बहिनी अनि जिल्ला परिषदमा म खुदै छु गङ्गा शर्मा, हाम्रो यहाँको मानिसले हामीलाई अवश्य आशीर्वाद गर्छन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ।